हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का फिर से वेलकम है एक नए ब्लॉग में। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गैस पाइपलाइन का काम कैसे होता है। ये देखिए, ये गड्ढे खुदे पड़े हैं, अच्छे से दिखा दूँ आपको। इनमें जॉइंट लगता है, ये हमारे जॉइंटर हैं। रिड्यूसर लगा हुआ है 32 के पाइप में, उसके बाद फिटिंग लग के 20 का पाइप लगा हुआ है, 20 mm का। यहाँ पर TF निकला है और ये TF में जो है फ्यूज़न कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज़न मशीन। हाँ भाई राजू, कुछ डिटेल दो यार, 20 mm के पाइप में कितने मिनट का सेकंड का फ्यूज़न लगाते हो? 20 के में 26 का, 26 उसमें 24 लिख के देता, 2 पॉइंट फालतू लग जाते। अच्छा, और 32 में? 32 में 48 होता, 50 मार देते। और 90 mm में 150 का मारते हैं। 150 का? हाँ, 63 mm 72 का होता है, 75 का मारते हैं। अच्छा, और पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हो? और ये मशीन जो है कहाँ से आती है, कैसे आती है, कुछ डिटेल देंगे? दिल्ली से आती है, और ये यहाँ पे जाकर अगर ख़राब भी हो जाए ना, हाँ, तो यहाँ नहीं बनती है जी, वहीं बनती है। इसका नाम क्या है? नाम तो जी GFP है। मशीन आपको दिखा दूं सही तरीके से, ये देखिए मशीन, मनसा नाम है इसमें, सेकंड सेट कर रहे हैं ये। देखो यहाँ से सेटिंग होती है इसकी, इसे दबाओ, इसे एक बार और दबाओ, सेकंड चालू कर दो, इसमें 26 सेकंड लगेंगे। ये आपके सामने 26 सेकंड हो गई पूरी, आप देख सकते हो। ऐसे अब हरे बटन को दबाओ, ओके कर दो, फ्यूज़न चालू हो गया। बेसिकली मैं बता दूं फ्यूज़न जो है क्या है, टेक्निकली लैंग्वेज में बताऊंगा तो आप समझेंगे नहीं। एक तरीके से जो है वेल्डिंग मशीन है। यहाँ पे ये लगा हुआ है TF में, इसका प्लग। अब ये 26 सेकंड के लिए होल्ड कर दिया, गर्म करेगा ये। अब ये देखिए मशीन बीप करने लगी। ये हो गया इसका फ्यूज़न कंप्लीट, एक फिटिंग का। अब ये फिटिंग इतनी हार्ड हो गई है कि इसको हम अगर ट्रैक्टर से भी खींचेंगे तो फिटिंग नहीं खुलेगी, पाइप उखड़ जाएगा। ये देखिए एक गड्ढा ये लगा हुआ है, और आगे हमारी देख सकते हैं, आगे पूरी जो है लेबर काम कर रही है। ये अंदर लेबर जो है नहीं यार, ले आओ जाके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, दिखाते हैं लेबर हमारी कैसे काम करती है। आज आपने देखा कि पाइप में फ्यूज़न कैसे करते हैं। तो हाँ भाई राजू, कितना हो गए, सारे फ्यूज़न हो गए? हाँ, इसमें सारे हो गए। चलो फिर आगे वाले गड्ढे पे, ये इन्होंने मशीन अपनी इकट्ठी कर ली, जा रहे हैं आगे वाले गड्ढे पे। अभी जो हम अपनी साइड पे थे वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कैसे जॉइंट लग रहे हैं, फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन मैंने आपको डिटेल दी तो थी 32 का पाइप का, और 20 का, और 63 का, और 90 125 का, लेकिन साइज़ आपको मैं दिखा दूँ कितना कितना होता है। अगर आप बता कैमरा में, ये है 20 का पाइप, ये 32 से रिड्यूसर लग के बाहर निकलता है, इसमें जो है निकलता है TF, और TF से ही जो है किचन तक पाइप जाता है GI का। ये है 32 का पाइप, किसी से जॉइंट होता है वो, या इसका डायमीटर 32 का है, उसका 20 का। ये वाला जो पाइप है ये 63 का है, ये वाला 90 का, और ये वाला 125 का, सबसे मोटा जो मेन लाइन चार्ज करते हैं इसलिए करते हैं। इसमें देखिए फिटिंग लगी हुई है, ये मेन लाइन रोड पे पड़ जाती है, बाहर इस तरह से पॉइंट निकल जाता है। फिर जब लाइन चार्ज करेंगे हम, चालू करेंगे, तो यहाँ से एयर डालेंगे, नाइट्रोजन एक साइड से निकाल देंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ भी डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाए, और ऑक्सीजन होगी वो निकल जाए। गाइस, आपको आगे जो है अगले ब्लॉग में और भी कुछ दिखाएंगे, उसके लिए जो है चैनल से जुड़े रहिए।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं, और किस जगह से आप देख रहे हैं, कमेंट करके प्लीज़ बताइए।